हेलो फ्रेंड्स, मैं कैसे हैं आप सब। आज जो एक ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज हम थोड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे। क्या हमें अपना जीवन समाप्त करना चाहिए? क्या हमें अपना जीवन समाप्त करने का हक है? क्या जीवन समाप्त करने के लिए हिम्मत और साहस की बहुत ज़रूरत है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है कि अपना जीवन ख़त्म करने के लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि जब कोई ऐसा कदम उठाता है वह हमेशा दूसरों के दबाव में परेशान होकर ये कदम उठाता है। उस समय उसका खुद की बुद्धि पर, दिमाग पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर बहुत शक्ति है, किंतु भगवान आपको कभी भी ऐसी स्थिति का सामना करने नहीं देते जिसे आप संभाल ना सकें। अपनी इस शक्ति का सही उपयोग कीजिए, न कि नकारात्मक सोच बनाकर आत्महत्या जैसा कदम उठाने चल पड़े। कभी कभी इंसान अपनी परेशानियों से परेशान होकर ऐसा सोच लेता है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि इसमें आप कोई बहादुरी का काम नहीं करने जा रहे, बल्कि भगवान द्वारा आपकी आत्मा को दिए गए इस सुंदर शरीर का आप अपमान कर रहे हैं। ऐसा कभी ना करें, बल्कि अपने इस शक्ति का सही उपयोग कीजिए। अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलिए। अपने आप को ख़त्म कर लेना कोई हल नहीं है। ऐसे समय में अपने उग्र स्वभाव पर नियंत्रण करते हुए उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, या अपने कमरे में पड़ी हुई अलमारी, अपने कमरे में पड़ा हुआ सामान बिखेरने लग जाएं। कुछ पल बाद जब आप देखेंगे कि आपका कमरा ऐसे बिखरा पड़ा है, तो आपका ध्यान आपकी उस परेशानी से हटकर कमरा समेटने में लग जाएगा, और तब तक आप अपने दिमाग में आ रही गलत विचार से भी दूर हो जाएंगे। ऐसे में बस अपने दिमाग को उस परेशानी से हटाने की कोशिश करनी है। कुछ ही देर में आप नॉर्मल हो जाएंगे और भगवान को धन्यवाद देंगे कि अच्छा हुआ भगवान मैंने ये नहीं किया। अगर मैं ये कर लेता, अगर मैं खुद को मार देता तो क्या होता, सब कुछ ख़त्म हो जाता। अपने इस सुंदर शरीर को, इस जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। खुद को कोसने की बजाय पॉजिटिव सोचते हुए कि भगवान ने जो इतना प्यारा जीवन हमें दिया है उसे यूँ नेगेटिव सोचकर ख़त्म नहीं करना है, बल्कि फालतू चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ को जीना है। जब भी ऐसी हताशा भरी कमज़ोर स्थिति आपके जीवन में आए, जब आप अपने जीवन से परेशान होकर ये सोचने लगें कि नहीं अब मुझे जीना नहीं है, उस वक्त बस एक बात समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान आपको ये आभास कराना चाहते हैं कि आप में कितना साहस है, आप कभी हार नहीं सकते। उस वक्त आपको बस एक पॉजिटिव स्टेप लेने की ज़रूरत है, और जो साहस आप मरने के लिए लगा रहे हैं, वही साहस ये प्रण कर रहे होंगे कि नहीं, जब मुझ में इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति है, तो इसे मैं मरने में ख़त्म क्यों करूं? और उस समय आपको अपने सब काम भी याद आ जाएंगे, और इन सब में भगवान ही आपकी मदद कर रहे होते हैं, जो आपके अवचेतन मन से आपको बल और हिम्मत देते हैं। क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि मनुष्य कभी अपने जीवन को ख़त्म करें, अपना जीवन लेने की गलती करें, क्योंकि आत्महत्या के परिणाम हमेशा से ही बुरे रहे हैं। तो अपनी आँखें खोलिए और सोचिए आपका जीवन किस लिए मिला है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और अपने साथ जुड़े लोगों के बारे में भी सोचिए। बहुत बार जब इस परिस्थिति से बाहर निकलकर जब सोचा जाता है कि आखिर मरने की, आत्महत्या करने की वजह थी क्या, क्या वो वजह इतनी बड़ी थी, तो अक्सर वो वजह हमें अर्थहीन ही लगती है। जैसे आजकल एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स आने के कारण या फेल हो जाने के कारण बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स से घबरा कर ऐसे कदम उठा लेते हैं, जबकि इस स्थिति में मरना कोई हल नहीं है।
यह बस एक डिप्रेशन में उठाया हुआ कदम है। यह सभी जानते हैं सफलता असफलता जिंदगी में चलती रहती हैं, लेकिन बहुत से माता पिता आज की डेट में अपने बच्चों के फ्यूचर स्टडी को लेकर इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वे ये भी भूल जाते हैं कि उनका बच्चा उनकी इस कठोरता के कारण डिप्रेशन में जा सकता है, और जब मार्क्स अच्छे नहीं आते तो सुसाइड करने जैसा कदम भी उठा सकता है, क्योंकि वह अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाता। माता पिता के मार्गदर्शन का ये अर्थ नहीं कि आप अपने बच्चे के प्रति इतने कठोर हो जाएं कि वे डर के मारे अपनी बात ही उनसे ना कह पाए, बल्कि बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए और उसके लिए जो बेहतर हो वो उसे प्यार से समझाना चाहिए, न कि उनके साथ इतने निर्दयता और कठोरता अपनाएं कि बच्चा अपने ही माता पिता से घबरा कर घुटने लगे, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ इतना दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए कि बच्चा खुद ही अपनी हर बात खुद ही आपको बताने को आतुर हो। इससे आपका और आपके बच्चे के बीच आपस में प्यार तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपको आपके बच्चे की हर एक्टिविटी का भी पता रहेगा। देखें, जब कभी आपको लगे कि आपका कोई फ्रेंड आपका कोई अपना किसी परेशानी से गुजर रहा है और वह अकेले में घुट रहा है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। उसे प्यार से बात करें, उसके साथ वक्त बिताएं, उसे अकेला कभी ना छोड़ें और बातों बातों में उसकी परेशानी का कारण जानने की कोशिश करें। जैसे ही वह आपकी बातों में आकर अपनी बात आपके सामने रखेगा, आप उसे पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, उसकी मानसिकता को शांत कर सकते हैं और धीरे धीरे वह अपनी परेशानी के बारे में सोचने में सक्षम हो जाएगा। आप नहीं जानते आप कितना बड़ा काम करेंगे। एक प्रेम प्यार ही है जीवन में, जिससे आप अपने ही नहीं किसी के भी जीवन को संवार सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति किसी दूसरे को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है उसका पाप हत्या के बराबर होता है। तो ऐसा काम या ऐसी बात कभी किसी से ना करें वो यह जोखिम भरा कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। इसलिए खुद भी खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। ओके फ्रेंड्स, आज अपनी बात मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उलझन भरी ज़िंदगी से बहुत से लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो ऐसा कदम उठाने पे सोचने लग जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बस यही मोटिव है कि वो इस चीज़ को समझें और इस स्थिति का सामना करने की हिम्मत रखें। लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिनका सलूशन नहीं है, तो उन चीज़ों का सलूशन करना चाहिए, अपनों को भी समझना चाहिए। मेरी वीडियो में कही गई सभी बातें अगर किसी के लिए भी हेल्पफुल हों तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।